चलिए भाई, मिलान के टाउन पैलेस होटल में आप लाल बनारसी साड़ी पहन रही हैं। बनारस इज प्राउड इंडिया। ये तो मैं समझ ही नहीं पाई, ये भी ऐसी है। कैसे अंदर अंदर है, मैं तो समझ रही थी कि ऐसे ऐसे ही सिंपल है। हो जाता है, आखिर अपना बनारस है भाई। हाँ देखिए, अभी संजोग नहीं लग पा रहा है जाने का। हाँ उसी भारतवर्ष की है ये सब चीजें, लोग जलाए डाल रहे हैं हमारे देश को। अरे और पॉलिटिक्स मत करो, चलो यू बिजनेस की तैयारी करो जिसके लिए हम आए हैं। 10-15 पे गाड़ी लाता होगा, अभी है, अभी क्या टाइम है? आराम से 15 मिनट है आपके पास, आप तो 2-3 मिनट में पहन लेते। हाँ, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। अभी साड़ी पहनना भूली नहीं है। भूलोगी कैसे भाई, होटल भी ये बढ़िया है, ठीक है, 850 मीटर पे ही तो है। मीटिंग में पानी वानी रखे रहते हैं, सब और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। न कभी ख़त्म, एकदम परफेक्ट जैसा कि मुझे समझ में आता है, बहुत समझ में ही आता है। आगे देखो, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ। नहीं नहीं सब ठीक है। पिन लगा लीजिए, बाल कंघी कर लीजिए, लाल लिपस्टिक लाई है ना? हाँ ठीक, उसको लगा लीजिए। लाल बाबू के साथ लाल बन के चलिए। मेरे गुज्जू, आप यहाँ बैठे रहिए, हम लोग जरा ईयू की मीटिंग में जा रहे हैं। देर लगेगी लेकिन तुम भी वहीं रहना, सब काम ठीक करना। बाकी तो हम लोग निर्विकार भाव से सभी काम करते हैं, किसी में इंडल्ज नहीं। ठीक है, सक्सेस तो ठीक, नो सक्सेस तो ठीक, पर वाला जिंदाबाद। क्या करना ना, जितना है उतना वही संभला रहे, बहुत बड़ी चीज है। वही संभला रहे बस, वही चीज। हाँ एडिशनल लेंगे तो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आएगी ना, लेकिन सब ऊपर वाले पर है। अगर देंगे तो करेंगे, इंशाल्लाह सब करेंगे, और नहीं तो नहीं, क्या फर्क पड़ता है। देंगे तो कुछ नया होगा बस।